हेलो एवरीवन, आपका फिर से एक और नई वीडियो में स्वागत है। तो गाइस, आज मैं आपको लेटेस्ट काइन मास्टर के सभी टूल के बारे में बताने वाला हूँ कि आप किस टूल को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये लेटेस्ट काइन मास्टर है, इसका कुछ इंटरफेस जब आप ओपन करोगे तो कुछ ऐसा दिखने वाला है। तो आपको पहले एक सेटिंग इसमें कर लेनी होगी। शुरू में ही यहाँ पर सेटिंग के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और नीचे आना है, स्क्रॉल करना है और यहाँ पर दिया होगा एडवांस सेटिंग। सबसे नीचे जो दिया है इस पर आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से दिया मिलेगा यहाँ पर। तो आपको क्या करना है, ये जो है 60 FPS आपको इसको अनेबल कर देना है यहाँ से। फिर आपको यहाँ बैक आना है। तो जैसे ही बैक आ जाएंगे तो आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दिखेगा। अब क्रिएट न्यू, आपको नया प्रोजेक्ट बनाना है तो क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से दिख जाएगा। यहाँ पर आपको बहुत सारे रेशो मतलब कि यहाँ पर दिख जाएंगे, 6-7 रेशो आपको दिख जाएंगे। और यहाँ पर एक ये है फिट फिल रैंडम, मतलब कि आपको फ़ोटो जो आप ऐड करोगे तो आप किस प्रकार से वो आना चाहिए फ़ोटो। और यहाँ पर जो है फ़ोटो की ड्यूरेशन भी है, आप एक फ़ोटो को कितने सेकेंड तक रखना चाह रहे हो आप यहां से इसको घटा बढ़ा सकते हो। फिलहाल मैं इतने ही रख लेता हूं। और यहां पर आप देख लीजिए, यहां पर अगर आपको रील्स या शॉर्ट के लिए, यूट्यूब शॉर्ट के लिए करना है तो आप यहां से इसका यूज कर सकते हो। और दूसरा फिर यहां पर भी ये शॉर्ट, ये 1:1 का है तो हम ये 16:9 जो यूट्यूब की लॉन्ग वीडियो होती है उनके लिए है। मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आपकी मीडिया जो है इस प्रकार से खुल जाएगी। यहाँ पर आपको अपनी मीडिया को यह ऐड करना है। मैं यहाँ पर कुछ क्लिप्स जो है ऐड कर लेता हूँ। तो गाइज़ मैंने यहाँ पर क्लिप जो है ऐड कर लिया है। मैं कुछ एक्स्ट्रा हो गई, मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपकी क्लिप जो है आएगी। आप यहाँ से इसको दो उंगलियों से ऐसे जो है छोटा बड़ा कर सकते हैं क्लिप की पोजीशन को सही बैठाने के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो मैं शुरू से इसका जो है आपको ये बताने वाला हूँ कि आप इसके सभी टूल को कैसे यूज करेंगे। तो सब में शुरू का जो ये टूल है ये वाला, इससे जो है आप बैक कर सकते हैं। कैसे, आप मान लीजिए मैंने ये जो है क्लिप यहाँ से डिलीट कर दी, अब मुझे वो वापस लानी है। तो यहाँ से आप इस बैक के ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं तो यहाँ पर ये जो है आ जाएगी वापस। अगर आपको ये मतलब कि फिर से डिलीट करनी है तो यहाँ पर ये जो है नई जो ऑप्शन है आपको इस पर क्लिक कर देना तो फिर यहाँ से डिलीट हो जाएगी। तो मैं फ़िलहाल ब्लैक कर देता हूँ। फिर आपको ये तीसरे नंबर जो टूल है आपको इसका कैसे यूज करना है, ये जो है टूल है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर तीन ऑप्शन आपको दिख जाएंगे, कैप्चर एंड सेव। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो आपकी स्क्रीन पर जो है ये स्क्रीन शॉट हो गया इसका, आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा, आप उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप दूसरे नंबर पर है कैप्चर एंड ऐड अ क्लिप। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख क्लिक, ये जो है क्लिप के रूप में ये जो यूज़ हो जाएगा वही हिस्सा जो आपने मतलब कि वहाँ से जो है स्क्रीनशॉट जिसका लिया है। तो फिलहाल मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से फिर से मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ कैप्चर एंड ऐड द लेयर। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये लेयर के रूप में जो है ऐड हो जाएगा ये हिस्सा जिस पर हमने जो है कैप्चर किया है। तो फिलहाल मैं इसे यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ। तो फिर तीसरी सेटिंग है हमारी, ये सेटिंग का ऑप्शन आपको इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखिए जी, ऑटो ऑडियो मास्टर, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी ऑडियो जो है ऑटोमेटिक जो है मास्टर होएगी, ठीक है। अगर आप यहाँ पर प्रोजेक्ट की मास्टर वॉल्यूम को जो है यहाँ पर घटा बढ़ा सकते हो आप आसानी से। और फिर जो नीचे आएंगे आपको स्टार्ट ऑफ प्रोजेक्ट और एंड ऑफ प्रोजेक्ट, ये आप किस तरह यूज कर सकते हैं। जैसे मैं इस पर अनेबल करूँगा तो जो वीडियो की जो मतलब कि ऑडियो होगी वो जो है शुरुआत में अगर इतनी सेकंड जो है रुक के उसके बाद चलेगी, और मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो वीडियो एंड होने के 2 सेकंड पहले ऑडियो जो है कम होती चली जाएगी। तो इनका इस प्रकार से यूज़ है। फिलहाल मैं इनको बंद कर देता हूँ। फिर वीडियो, वीडियो में भी इसी प्रकार है। आप देखते जब वीडियो शुरू होएगी तो अगर हम इसको ऑन कर देते हैं, जब वीडियो शुरू होएगी तो उसमें ब्लैक के साथ स्टार्ट होगी। देखिए मैं अभी इनको अनेबल कर देता हूँ और आपको दिखाता हूँ क्या होगा। देखिए, देख लीजिए वीडियो इस प्रकार से जो है स्टार्ट होगी। एंड मैं दिखा देता हूँ वो किस प्रकार से होगी। यहाँ से मैंने स्टार्ट करी, आप देख लीजिए इस प्रकार से वीडियो एंड होने वाली है। तो इनका यूज़ ये वाला था। तो मैं इसको फ़िलहाल बंद कर देता हूँ। एडिटिंग, एडिटिंग पे जो वे शुरू वाले में आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं वही है। यहाँ पर आप फोटो के ड्यूरेशन को चेंज कर सकते हैं और जो यहाँ पर फिट स्क्रीन और फिल स्क्रीन आप इनको यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं।
और यहाँ पर आप लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको मीडिया का ऑप्शन दिया जाएगा, इफेक्ट का दिया जाएगा, स्टिकर का दिया जाएगा, टेक्स्ट लिखने के लिए दिया जाएगा और हैंड राइटिंग। अब मीडिया के ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप अपने किसी भी इमेज को या वीडियो को यहाँ पर जो है ऐड कर सकते हो। जैसे कि मैं एक वीडियो को ऐड कर लेता हूँ इस वाली को। अब मैं आपको इसमें हम ये भी दिखाने वाला हूँ आपको इसमें कैसे बैकग्राउंड रिमूव करते हैं किसी वीडियो का, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। तो पहले मैं इसके यहाँ पर जो टूल बता देता हूँ किस प्रकार से आपको दिए गए हैं यहाँ पर। तो पहला है ये कैंची का, यहाँ पर आप इसको जो है शुरू से मैं आपको बताता हूँ, सॉरी, जो है ट्रिम टू लेफ्ट ऑफ प्ले हेड। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो जो जो लेफ्ट का हिस्सा है वो सारा कट जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पर बैक कर लेते हैं। और आप जो है राइट का प्ले हेड, ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हेड आप करोगे तो राइट का जो हिस्सा है वो कट जाएगा। हम बैक करते हैं। और स्प्लिट एट प्ले हेड, आप इस पर क्लिक करोगे तो ये दो हिस्सों में बट जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं दो हिस्से हो चुके हैं इसके, हम इसको बैक कर लेते हैं, ठीक है। फिर ऑप्शन आए सेकेंड नंबर का, हम इस पर क्लिक करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से, अगर यहाँ पर आपको फिट करना है तो आपको यहाँ पे इस क्लिक कर देना तो ऑटोमेटिक जो है स्क्रीन पर पूरी तरह फिट हो जाएगा। यहाँ पर आप इस तरह इनको यूज कर सकते हैं। मैं ऑफ़ कर देता हूँ फिलहाल। और यहाँ पर आप जो है इसकी वॉल्यूम, ऑडियो की जो वॉल्यूम है उसको यहाँ पर घटा बढ़ा सकते हैं। आप यहाँ से फुल कर सकते हैं इसको, मैं 100% पर रह देता हूँ। ऑटो वॉल्यूम जो है इसकी वॉल्यूम खुद हाई हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर जो लेफ़्ट और राइट दिए गए, अगर आप इसको लेफ़्ट को बढ़ाएंगे तो हेडफोन में आपके लेफ़्ट वाले हेडफोन में ज़्यादा आवाज़ आएगी, और आप राइट वाले को बढ़ाएंगे तो राइट वाले हेडफोन में आपकी ज़्यादा आवाज़ आएगी। यहाँ से आप पिच को चेंज कर सकते हैं। अगर आप माइनस में करोगे तो पिच जो है एक बच्चे की आवाज़ की तरह हो जाएगी, अगर आप इसे प्लस की ओर करोगे तो आप यहाँ पर किसी बड़े की तरह आवाज़ हो जाएगी, ठीक है। तो मैं इसको फ़िलहाल यहाँ पर रहने देता हूँ। फिर है इन एनिमेशन। इन एनिमेशन का मतलब गाइस, जब आपकी वीडियो शुरू होएगी तो किस तरह का एनिमेशन आएगा। जैसे मैं फेड कर देता हूँ, तो शुरू में जब हमारी वीडियो जो यो लेयर वाली वीडियो हमारी शुरू होएगी तो इस प्रकार से चलेगी। ये दिखा देता हूँ मैं आपको कैसे आएगी, ये इस प्रकार से आएगी, ठीक है। यहाँ पर आप जो है किसी तरह का एनिमेशन लगा सकते हैं, ठीक है। और फिर ओवरऑल इन एनिमेशन आप किस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको मतलब कि वीडियो किस प्रकार से चलती रहनी चाहिए। मैं इस पे क्लिक करता हूँ, आप देखिए वीडियो किस प्रकार से चलती रहेगी, ऐसी होती रहेगी लास्ट तक, यहाँ तक जहाँ तक ये लेयर जो है ख़त्म नहीं हो जाती। हम इस पे क्लिक करते हैं, वापस से नॉन पे कर देते हैं। आउट एनिमेशन, आउट एनिमेशन से क्या होगा गाइस, इससे जो वीडियो का एंड पोजीशन होगा वो किस प्रकार जाएगा। मैं फेड पर क्लिक करता हूँ, बहुत सारे यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। जैसे कि मैंने ये कर दिया स्लाइड डाउन, आप देख लीजिए मैं इसको प्ले करता हूँ यहाँ से, तो ये इस प्रकार से जाएगी वीडियो, ठीक है। तो मैं इसको जो है अब नन करने वाला हूँ, ठीक है। फिर हम आते हैं नीचे, तो यहाँ पर क्रोमा की, क्रोमा की के ऑप्शन से आप क्या कर सकते हैं। जैसे मैंने इस पर क्लिक करा और ऊपर जिसको अनेबल करा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका जो बैकग्राउंड आसानी से हट जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर जिस भी कलर को हटाना चाहते हैं वो आप यहाँ से कलर सेलेक्ट कर लीजिए, आपका वही कलर जो है बैकग्राउंड से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको ये दो ऑप्शन दिए गए हैं, आप इनकी मदद से जो है बैकग्राउंड को अच्छी तरह से रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं दिखा देता हूँ ये किस प्रकार से दिख रहा है। अब देखिए जो ग्रीन कलर था वो पूरी तरह से जो है रिमूव हो चुका है, ठीक है गाइस। तो हम इसको अब आगे देख लेते हैं थोड़ा। मैं क्रोमा की जो इसको बंद कर देता हूँ फिलहाल, ठीक है। अब जो अगला ऑप्शन है क्रॉप का ऑप्शन, यहाँ से आप अनेबल जो है अनेबल अभी नहीं करेंगे। आप देखिए यहाँ पर आसानी से जो है क्रॉप को कर सकते हैं, आपको कितने भी हिस्सा जो है चाहिए वो आप आसानी से यहाँ से क्रॉप कर सकते हैं, ठीक है गाइस। अब इसको हम अनेबल करते हैं तो आप शेप में जो है क्रॉप कर सकते हैं, आप किसी भी शेप में यहाँ से क्रॉप कर सकते हैं। फिलहाल मैं यही रहने देता हूँ। और यहाँ पर देखिए फेदर, आप जैसे इस पर अगर आप 100% करेंगे इसको, मतलब 50% होएगा तो इस प्रकार से साइडों में फेदर आ जाएगा इसके। मैं इसको बंद कर देता हूँ, माइनस कर देता हूँ, ठीक है। फिर आगे आते हैं हम, तो है स्पीड। आप लेयर की स्पीड को यहाँ से घटा बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। आप जिस भी स्पीड से मतलब कर दोगे, अगर आप इधर के करेंगे तो स्पीड कम होती जाएगी, इधर करेंगे तो स्पीड बढ़ती जाएगी। यहाँ पर गाइज है म्यूट ऑडियो, यहाँ पर आप ऑडियो को म्यूट कर सकते हैं, ठीक है गाइज। इसको हम अब फिलहाल के लिए ऑफ कर देते हैं। यहाँ पर कीप पिच, यहाँ पर अगर आप इस पर क्लिक कर दोगे तो वीडियो जो ऑडियो की क्वालिटी रहेगी, मतलब कि जो पिच जो है उसकी चेंज नहीं होने की, ठीक है गाइज। फिलहाल हम इसके लिए बंद कर देते हैं फिलहाल।
फिर यहाँ पर जो नेक्स्ट है ये है रिवर्स। आप अपनी वीडियो को रिवर्स कर सकते हैं, आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये रिवर्स होनी जो है चालू हो जाएगी, तो ये वीडियो पूरी तरह से उल्टी हो जाएगी। ठीक है गाइस, फिलहाल मैं इसको बैक कर देता हूँ, इस प्रकार से रहने देता हूँ। और यहाँ पर फिर है कैपेसिटी, आप इस वीडियो की कैपेसिटी को यहाँ पर कम बढ़ती कर सकते हो आसानी के साथ। ठीक है, फिर है यहाँ पर कलर फिल्टर, आपको कलर फिल्टर दिख जाएंगे यहाँ पर कैटेगरी के हिसाब से दिख गया है। फिर आप कैटेगरी को जैसे ओपन करेंगे तो यहाँ पर कलर फिल्टर आपको दिख जाएंगे। जैसे कि मैं कोई सा भी एक कलर फिल्टर को मैंने जो सेलेक्ट किया, मैं जैसे कलर फिल्टर को सिलेक्ट किया, आप यहाँ पर फिल्टर की जो है कैपेसिटी कम कर सकते हैं और यहाँ पर बढ़ा सकते हैं इस प्रकार से। फिलहाल मैं नन कर देता हूँ और बैक करता हूँ। फिर यहाँ पर रोटेट का ऑप्शन, आप इस पर रोटेट पे आसानी से अपनी वीडियो को या इमेज को यहाँ पर रोटेट कर सकते हो। फिर एडजस्टमेंट का, यहाँ पर आपको ब्राइटनेस, कॉन्टेस्ट, सेचुरेशन, वाइब्रेंस जो है, यहाँ पर हाईलाइट्स जो दिए गए हैं आप इनको यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हुई का ऑप्शन, आप इस तो कलर को यहाँ से इस प्रकार से चेंज कर सकते हैं। ठीक है गाइज, हम आगे आते हैं तो यहाँ पर ये है ऑडियो का ऑप्शन, जो इसमें ऑडियो जो है उसको अलग अलग तरीके से चेंज करने का गाइज। ठीक है गाइज, फिर हम आते हैं नीचे वॉल्यूम, वॉल्यूम आप 100% है इसकी, आप इसको घटा बढ़ा सकते हैं इस प्रकार से। मैं 100% आपको किसी, अगर आपको क्लिप में कहीं ऑडियो को जो है कम करना है क्लिप में कहीं और कहीं बढ़ाना है, तो आपको इसकी मदद से, जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक करा और यहाँ पर क्लिक करा और मैं बीच में ऑडियो को जो है माइनस करना चाहता हूँ, तो एक बार प्लस क्लिक करके ऑडियो को माइनस कर दो, तो उस हिस्से से जो ऑडियो जो है इसकी मतलब कि पूरी माइनस हो जाएगी, इस हिस्से में ऑडियो मतलब कि आवाज़ नहीं आएगी। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं हम, आगे है रिवर्ब। यहाँ पर आप ऑडियो को इस प्रकार से यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे जो है इफ़ेक्ट दिए गए हैं जिन्हें आप जो है सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है गाइस, फिलहाल मैं नॉर्मल रखता हूँ। और फिर है ब्लेंडिंग, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से आप यहाँ पर ब्लेंडिंग जो है कर सकते हो, मल्टी स्क्रीन, स्क्रीन लाइटिंग, मतलब कि बहुत सारे यहाँ पर दिए गए, आप यहाँ पर इसकी कैपेसिटी को भी कम बढ़ती कर सकते हो। ठीक है गाइस, बैक चलते हैं। एक्सट्रैक्ट ऑडियो, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो जो इस क्लिप की जो ऑडियो होगी वो यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है गाइस, आप इसे यहाँ से किसी भी तरह एडिट कर सकते हो ऑडियो को। ठीक है गाइस, मैं बैक कर देता हूँ, फिलहाल सेट करके दिखा देता हूँ आपको। हम क्रोमा की के ऑप्शन पे जाते हैं और इसको अनेबल करते हैं हम। अब यहाँ पर जो ये फिल्टर दिए गए हैं, आप इनको, इनकी मदद से इसको और भी अच्छे तरीके से जो है बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हो, तो मैंने कुछ इस प्रकार से कर दिया। मैं थोड़ा इसको छोटा करता हूँ और कहीं साइड में इसमें लगा देता हूँ, मैं इधर लगा देता हूँ इसको। तो गाइस देखिए, अब मैं इसमें कुछ एनिमेशन भी दे देता हूँ, जैसे मैं फेड इन एनिमेशन फेड दे दिया, आउट एनिमेशन भी फेड दे देता हूँ मैं। ठीक है, अब देखिए अब इस प्रकार से कुछ ये दिखाई देगा। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं इफ़ेक्ट के ऑप्शन पर, हम इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपको इफ़ेक्ट दिए गए हैं, ब्लर दिया गया है, दो प्रकार के ब्लर दिए गए हैं आपको। देखिए यहाँ पर ब्लर इस प्रकार से होगा, मैं थोड़ा सा इसको बढ़ा देता हूँ आपको। जैसे यहाँ से खींच के आप किसी भी क्लिप को या ऑडियो को यहाँ पर बढ़ा सकते हैं, क्लिप तो नहीं बढ़ेगी लेकिन आप यहाँ पर इमेज को बढ़ा सकते हैं। देखिए मैं इसको फुल स्क्रीन कर लेता हूँ, फुल नहीं इतनी रहने देता हूँ। ठीक है गाइज, तो यहाँ पर आप, यही एनिमेशन के ऑप्शन है ये जो मैंने अभी बताए थे ये। ठीक है, यहाँ पे सेटिंग के ऑप्शन पे, सेटिंग के ऑप्शन पे क्या आप इसके ब्लर को जो है घटा बढ़ा सकते हो, आपको कितना ब्लर रखना है आप अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकते हो उसको। ठीक है गाइज, और यहाँ पर कैपेसिटी, आप इसकी ब्लर की कैपेसिटी को भी घटा बढ़ा सकते हो। ठीक है गाइज, और यहाँ पर जो है ब्लर को आप इस प्रकार से जो है सेप भी दे सकते हो। ठीक है गाइज, मैं बैक करता हूँ और उसको डिलीट कर देता हूँ। फिर है गाइज यहाँ पर स्टिकर, स्टिकर यहाँ पर आपको दिए गए हैं, ये मैंने डाउनलोड कर रखे हैं, जैसे मैंने ये डाउनलोड कर रखा है स्टिकर, आप मैं इसको यहाँ पर लगा देता हूँ, तो स्टिकर भी कुछ इस प्रकार से दिखेंगे, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। फिर है यहाँ पर टेक्स्ट, यहाँ पर आप अपना कुछ भी टेक्स्ट जो है लिख सकते हो, जैसे कि मैंने ये लिख दिया। और यहाँ पर आपको फ़ॉन्ट भी दिए गए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर बहुत सारे फ़ॉन्ट दिए गए हैं, मैं इस फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर देख सकते हैं आप यहाँ पर जो है आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर एनिमेशन भी आप टेक्स्ट में लगा सकते हैं, वो जो इन एनिमेशन होता है,
किसी भी तरह का एनिमेशन आप लगा सकते हैं इसमें, और जो है आउट एनिमेशन दे देता हूँ इसमें, ठीक है गाइस। इस प्रकार से एनिमेशन, और आपको इसमें कुछ कलर देना है तो आप यहाँ पर ये जो वाइट कलर है इस पर यहाँ पर टैप करो, और यहाँ पर जो है कलर आपको किस भी तरह का आप कलर यहाँ पर यूज कर सकते हो। ब्लू कलर दे दिया मैंने इसको, अब देखिए किस तरह दिखेगा ये। तो इस तरह से आप जो है टेक्स्ट यूज कर सकते हो। अब है हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग इसमें क्या है, हाईलाइट करना है। तो जैसे मैं यहाँ पर इस टेक्स्ट को हाईलाइट करूँगा, तो आप इस प्रकार से इसे यहाँ पर हाईलाइट कर सकते हो। बहुत सारे शेप दिए गए हैं, पे सर्कल भी बना सकते हो, और ये जो एरो का निशान होता है ऐसे बना सकते हो, और आप इनमें भी जो है यहाँ पर ये दे सकते हो इस प्रकार से एनिमेशन आराम से दे सकते हो। ये तीन इसलिए दिखा रहे मैंने, एक बार में तीन जो है ड्रॉ कर दिए थे, ठीक है गाइस। अब हम आते हैं यहाँ पर, अगर आप यहाँ ऑडियो के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप अपने जो भी जितने भी सॉन्ग होंगे यहाँ पर आप उनको आसानी से ऐड कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एक ऐड करके दिखा देता हूँ, ठीक है गाइस। मैंने ये ऐड कर लिया, मैं इसको शुरू में लगा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है गाइस। शुरू में लगाने के बाद यहाँ पर आपको ये ऑप्शन दिए गए हैं, आप इस ऑडियो की वॉल्यूम को कम बढ़ती कर सकते हो आसानी से। इस जो मैंने आपको बताया था, लेफ़्ट राइट करके आपके लेफ़्ट हेडफोन में आएगी, राइट करोगे तो आपके राइट हेडफोन में आएगी। आप पिच को चेंज कर सकते हो यहाँ से गाइज, ठीक है गाइज। बैक करते हैं हम, यहाँ पर ऑडियो में आप रेबर जो लगा सकते हो, बहुत सारी इफेक्ट यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है गाइज। वॉइस चेंज कर सकते हो आप यहाँ पर, यहाँ पर बहुत सारे आपको दिए गए हैं ऑप्शन, और जो है लूप और लूप एट एंड। आप अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आपकी क्लिप जो है ऑडियो कितनी भी छोटी हो वो पूरी वीडियो में जो है लग जाएगी आसानी से, अगर आप लूप एड टू एंड करोगे, ठीक है। मैं बंद कर देता हूँ फिलहाल। अगर आपको कहीं से कट करना है तो यहाँ पर ये ऑप्शन दिया गया है, आप जैसे मैंने दो हिस्सों में कर दिया इसको, ठीक है। अब मैं बैक करता हूँ, यहाँ पर आप इंफॉर्मेशन में जाकर इसकी इंफॉर्मेशन को चेक कर सकते हो। यहाँ पर नीचे जो है रिकॉर्डिंग का ऑप्शन, इससे क्या होगा, आप यहाँ पर जो है वॉइस ओवर कर सकते हो अपनी वीडियो के लिए। आप जैसे इस पर स्टार्ट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर वॉइस ओवर स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर वॉइस ओवर हो चुका है। अब यहाँ पर जो है ये जो ऑडियो हमने जो है यहाँ पर सेलेक्ट करा था एक म्यूजिक, हम इसकी जो है ऑडियो के यहाँ पर कम कर देते हैं, ठीक है गाइस। मैं यहाँ पर इसको कम कर देता हूँ, आप अपने हिसाब से जो है कर लेना अपनी वीडियो में। तो मैंने यहाँ पर जैसे स्टार्ट किया तो आपको कुछ इस प्रकार से सुनने के लिए मिलेगा ये, ठीक है। तो अब आगे हम चलते हैं यहाँ पर। अब इसको ऑडियो को जो है मैं यहाँ पे इतना जो हिस्सा जो इसका मैं कट करने वाला हूँ, कैसे, यहाँ पे इस ट्रिम टू राइट ऑफ लेफ्ट है, इस पर आपको क्लिक करना है तो यहाँ पर ये जो हिस्सा यहाँ पर कट जाएगा आसानी से, ठीक है गाइस। तो और यहाँ पर जो आपको ये ऑप्शन दिया गया, आपके जो है लेयर अगर बहुत सारे मतलब कि बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो इस प्रकार से आ जाएगा। यहाँ पर प्ले का ऑप्शन है तो यहाँ पर ये चलने लगेगा इस प्रकार से, यहाँ पर चलने लगेगा ये, ठीक है। और यहाँ पर स्क्रीन आपको यहाँ पर दिखाई देगी, ये आप इसको कैसे भी कहीं पर भी रख सकते हो, ठीक है। फिलहाल मैं ऊपर चलता हूँ, और यहाँ पर ये जो ऑप्शन दिया गया यहाँ पर आप जो है इस पर अगर टैप टैप करोगे तो आप जो है क्लिप टू क्लिप जो है आगे बढ़ते जाओगे। होल्ड प्रेस करोगे आप इस पर तो मूव टू एंड, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो सबसे लास्ट में हम पहुँच जाएंगे। फिर आप उसको होल्ड प्रेस करेंगे मूव टू बिगिनिंग, इस पर क्लिक करेंगे तो सबसे शुरू में पहुँच जाएंगे, इसका ये यूज़ है गाइस, ठीक है। और ये है मूव टू प्रीवियस पॉइंट, अब इस पर प्रीवियस पॉइंट जो प्ले इसका ऑप्शन होगा मतलब कि आप वहाँ पर पहुँच जाओगे। फिर गाइस है इसमें ट्रांजेक्शन कैसे देने हैं, जब हम प्लेस के ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे जो है ट्रांजेक्शन मिल जाएंगे, जहाँ पर आप जो है सिलेक्ट करके यहाँ पर आसानी से यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 3D में दिए गए हैं, देखिए इस प्रकार से आप जो है यूज कर सकते हो इन्हें। जैसे कि मैं आपको यू वाला यूज करके दिखाता हूँ, स्टार्ट करता हूँ, देखो तो कुछ इस प्रकार से जो है एनिमेशन जो है यहाँ पर आएगा, आप यहाँ पर बहुत सारे यूज कर सकते हो। देखो गाइस इस प्रकार से कुछ, और टैक्स वाले भी हैं, और इस प्रकार से कुछ, और यहाँ पर आप जो है अगर यहाँ पे आप उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ से आप आसानी से डाउनलोड भी करके यहाँ से यूज कर सकते हो। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही,
उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक भी कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।